माई डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स मैं डॉक्टर के एस दो आप सभी का के एस डी मैथ क्लासेज में स्वागत करता हूं आज मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा और इसे लाइक और शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर हर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी इन वीडियोज़ का बेनिफिट एग्ज़ाम के अंदर उठा सकें ओके और मेरी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू उनके बारे में भी हमने जानकारी अपलोड कर रखी है ओके तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था ठीक है तो क्या है आज का टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ टाइप्स वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो देखिए एक बार मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को दोबारा फिर रिपीट करता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर मैपिंग ठीक है और इसको वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म भी कहा जाता है एंड इट इज़ नोन एज वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म। क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ वी एंड वी डैश आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ एंड टी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम वी टू वी डैश दैट इज टी इज ए फंक्शन फ्रॉम वी टू वी डैश सच दैट इफ़ दो डेफिनेशन है यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है इफ टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा एंड इसी के अंदर सेकेंड कंडीशन क्या है टी ऑफ ए अल्फा इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू बी और सेकेंड डेफिनेशन क्या है इसकी टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा एंड फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू बी यहाँ पर जो स्केलर्स हैं वो सारे फील्ड के एलिमेंट होंगे और जो वैक्टर हैं अल्फा और बीटा वो किसके एलिमेंट होंगे वैक्टर स्पेस बी के एलिमेंट्स होंगे अगर ऐसा हो ये दो कंडीशन या फिर एक ही कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए देन टी इज़ कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग और वैक्टर स्पेस मॉरफिजम ठीक है टी को हम ये तीन वर्ड से डिनोट uh, कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लीनियर मैपिंग या फिर टी वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म तो ज्यादातर जो नेम है इसका वो बुक्स के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही चलता है ठीक है और शॉर्ट में हम इसको क्या कह सकते हैं एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लिख देना देन कॉल्ड देन टीज कार्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज एल टी शॉर्ट में हम एल टी भी लिख सकते हैं तो अब देखो टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके टाइप्स कौन कौन से होंगे हम टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो इसमें क्या है बहुत ही सिंपल इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज ए एल टी लिखा है मैंने एल टी मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू वेक्टर स्पेस वी ओवर द सेम फील्ड एफ यानी कहने का मतलब तो क्या है अब हमारे पास टी वी से वी डैश ना होकर के कहाँ पे हो टी इज ए फंक्शन फ्रॉम वी टू वी किस टाइप का फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर ठीक है अगर टी किस टाइप का फंक्शन होगा इस टाइप का फंक्शन टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी देन टी इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं रैखिक संकारक ओके और उसके बाद लिखो आप इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू एफ ओवर द फील्ड एफ क्योंकि वी भी वेक्टर स्पेस है फील्ड f के अंतर्गत एफ भी क्या होता है वेक्टर स्पेस होता है किसके अंदर ओवर द फील्ड एफ ठीक है और एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वी से एफ में हो दैट इज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू एफ देन टी इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल तब इस टी का नाम क्या हो जाएगा लीनियर फंक्शनल हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं रेखिक फलनक तो देखो बहुत ही सिंपल है अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो वी टू ठीक है तो क्या होगा टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करता हो बट वी टू बी हो देन इज कार्ड लीनियर ऑपरेटर और इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से फ्रॉम वैक्टर स्पेस बी टू वैक्टर स्पेस एफ ओवर द सेम फील्ड एफ दोनों वैक्टर स्पेस फील्ड एफ के अंदर होंगे देन टी इज कार्ल्ड लीनियर फंक्शनल ओके okay. और इसके बाद फिर आप नोट करिए नंबर वन इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी सच दैट सच दैट दैट इज टी अल्फा इक्वल टू अल्फा टी अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी Then T is called identity transformation. ठीक है Then T is called identity transformation. और इसका नोटेशन हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस T को I से डिनोट किया जा सकता है T को I से डिनोट किया जा सकता है और इसी में आप नोट करिए नंबर second. ठीक है टी किस टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू वी और अगर हम इसको अल्फा पर अप्लाई करें और इसका आंसर कितना दे जीरो वेक्टर्स टी अल्फा इक्वल टू जीरो एंड ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी और यहां पर जीरो भी किसका एलिमेंट है वी का एलिमेंट है देन टी इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन तब टी क्या कहलाएगा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ठीक है तो लिखिए आप देन इज़ कॉल्ड यहां लिख देना आप देन टी इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है टी इज कार्ल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन तो ये नोट करना आप छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कई बार काम आती हैं हमारे अगर टी अल्फा इक्वल टू अल्फा देन टी इज कार्ल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई आई ठीक है और अगर टी अल्फा इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी देन टी इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन तब ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ओके नेक्स्ट लिखिए हमें नोट कीजिएगा नेक्स्ट इफ टी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम वी टू वी डैश ओवर द सेम फील्ड एफ टी एक फंक्शन है वेक्टर स्पेस वी टू वी डैश और इन दोनों का फील्ड क्या है एफ इफ़ नंबर वन टी इज ऑन टू टी किस टाइप का फंक्शन हो ऑन टू हो एंड टी इज एल टी टी क्या हो लीनियर transformation onto and linear transformation then v dash is called homomorphic image of v v dash jo hai yani ki ye jo samne wala vector space hoga dekho t kahan se kahan hai to v dash agar ye do condition satisfy karta hai then v dash jo hoga ये इस v का क्या कहलाएगा Homomorphic image. अब देखो function क्या होता है Function भी ये relation. फंक्शन एक संबंध होता है रिलेशन होता है रिलेशन के बारे में हम क्या जानते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है और ये फादर है ठीक है तो हम लोग क्या जानते हैं अगर यहां से आवाज जाएगी, तो किस टाइप की जाएगी पापा जी अगर इधर से आवाज आएगी उस साइड जाएगी तो किस टाइप की आवाज आएगी पापा जी और सामने से किस टाइप की आवाज आएगी देखो आप बेटा जी ठीक है दो रिलेशन किसके बीच में होता है हमेशा मैथमेटिकल रिलेशन हम किस में लिखते हैं दो सेट्स के बीच ठीक है और आमतौर तो पर जो हमारा सोसाइटी के अंदर रिलेशन है वो किसके अंदर होता है दो जनों के बीच फॉर एग्जाम्पल सन और फादर तो यहाँ से आवाज़ आ रही है पापा जी उधर से आवाज़ क्या आ रही है बेटा जी तो ऐसे ही जब वी डैश इसका होमोमॉर्फिक इमेज है तो 100% परसेंट भी इसका कुछ लगता होगा वी भी वीडे का कुछ ना कुछ लगता होगा तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं एंड वी ओवर द फील्ड एफ इज होमोमॉर्फिक टू होमोमॉर्फिक टू वी डैश एफ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अगर सामने वाला होमोमॉर्फिक इमेज है तो फिर ये क्या है होमोमॉर्फिक टू वी डैश ओके और इसी के अंदर आप आगे नोट कीजिएगा हमें नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए आप आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस ठीक है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो देखो क्या होगा लेट वी एंड वी डैश आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ वी एंड वी डैश आर टू वैक्टर स्पेस और द सेम फील्ड F एंड T इज ए मैपिंग मैपिंग कह सकते हो आप T इज फंक्शन ठीक है T इज ए मैपिंग फ्रॉम V टू V डैश इफ नंबर वन T इज वन वन टी कैसा हो वन वन हो नंबर सेकंड T इज ऑन टू सेकंड कंडीशन T क्या सेटिस्फाई करता हो T इज ऑन टू एंड नंबर थर्ड T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस ठीक है तो आप ऐसा लिख सकते हो देन टी इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस ओके okay? बहुत ही सिंपल तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है नंबर वन वन नंबर वन 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 नंबर सेकेंड ऑन टू एंड नंबर थर्ड लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देंट इज कार्ड एन आइसोमार्फिजम ठीक है और अगर ऐसा होता है तो देखो आप फिर क्या होगा जो वी डैश होगा ये क्या कहलाएगा आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी वी डैश इज कार्ल्ड आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी इन दिस केस कब जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो लिखो आप इन दिस केस वी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी वीडैश जो होगा वो क्या कहलाएगा आइसोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा देखो मैंने अभी आपको बताया था ठीक है एक फंक्शन जो है वो क्या है एक रिलेशन है तो 100% परसेंट क्या है जब ये आइसोमॉर्फिक इमेज है तो फिर ये भी इसका कुछ लगता होगा ठीक है तो V के लिए हम क्या लिख सकते हैं एंड V इज कार्ड आइसोमॉर्फिक टू Isomorphic to टू वी डैश ठीक है एंड इट इज डिनोटेड बाई और इसका नोटेशन क्या होगा एंड इट इज डिनोटेड बाई v इज is isomorphic टू v डैश ऐसे लिखते हैं इसको ठीक है ये इसका सिंबल होता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V is a vector space over the field F is isomorphic to V dash over the field F. ऐसा भी लिखा जा सकता है दोनों में से आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो ठीक है कब जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप कर्नल ऑफ होमोर्फिजम हमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल तो क्या डेफिनेशन है इसकी लेट वी एंड वी डैश आर टू वैक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश टी क्या हो इन दोनों में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके बाद समझिए आप डेफिनेशन हम बाद में कंप्लीट कर दें तो देखो क्या है हमारे पास T एक फंक्शन है V2 V- डैश के अंदर किस टाइप का फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी और उसके बाद देखो हो, क्या होगा देन ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी तब वी के एलिमेंट्स का एक सेट अब जरूरी नहीं है इसके अंदर बी के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है मैंने क्या कहा? देन ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ओके किस टाइप के एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा जिनका रिलेशन किसके साथ हो वी डैश की जीरो के साथ ठीक है इसके अंदर और एलिमेंट भी होंगे अल्फा, गामा ही नहीं होंगे और भी हो सकते हैं इसके अंदर बट कंडीशन क्या है इन सब का रिलेशन किसके साथ होगा जीरो एलिमेंट ऑफ V डैश के साथ ठीक है तब ये सेट क्या कहलाएगा कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल के capital K. इसको कैपिटल के से लिख देते हैं ठीक है ये इसका सिंबल रहेगा तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है तो इसको कंप्लीट करिए आप

वी के ऐसे एलिमेंट्स जिनका संबंध किसके साथ हो वी डैश की जीरो के साथ हो इस कार्ड कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये सेट क्या कहलाता है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है तो देखो अब ये तो होगी परिभाषा डेफिनेशन अब इसका मैथमेटिक्स क्या होगा ठीक है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इसको कैसे लिखेंगे दैट इज के या इसको के ई आर टी से भी डिनोट करते हैं हम कैपिटल के या के ई आर टी कर्नल ऑफ टी ऐसे भी डिनोट करते हैं तो अभी हमने क्या लिखा है दिस इज ए सेट यहां से स्टार्ट होगा ठीक है किसके एलिमेंट होंगे एलिमेंट्स ऑफ वी सच दैट किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जिनका रिलेशन वी डैश की जीरो के साथ होगा इस टाइप का सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओके बहुत ही सिंपल है ठीक है तो के क्या होता है सबसेट ऑफ बी आप यहां पर ये लिख सकते हो हम नोट हमें नोट कीजिएगा प्लीज द कर्नल ऑफ टी टी मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द कर्नल ऑफ टी इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है ये नल स्पेस भी कहलाता है किसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एंड इट इज डिनोटेड बाई एन टी और ये इसका सिम्बल होता है इसको हम एन टी से भी लिख सकते हैं ठीक है जैसे कर्नल को के टी से या कैपिटल के से लिखा जाता है इसको एन टी से भी हम डिनोट कर सकते हैं बिकॉज कर्नल इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ टी ओके और अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे कर्नल पर ठीक है कर्नल जो है वो हमेशा क्या होता है एक वेक्टर सब स्पेस हम थ्योरम लिखे प्लीज देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सब स्पेस कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एक सब स्पेस होता है अर्थात एक वेक्टर सब स्पेस होता है ये अपने को प्रूफ करना है तो देखो अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी इसकी कर्नल ऑफ़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होता है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट वी एंड वी डैश आर टू वैक्टर स्पेस एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश यानी कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है कर्नल के लिए क्या होना चाहिए आपके पास दो वेक्टर स्पेस होने चाहिए तो हम मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं वी और वी डैश ओवर द सेम फील्ड एफ दो वेक्टर स्पेस हैं और टी क्या है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके बाद कर्नल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी ठीक है जिसके एलिमेंट्स का रिलेशन किसके साथ हो जीरो एलिमेंट ऑफ वी डैश के साथ वो सेट क्या कहलाता है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है तो लिखो आप देन के इक्वल टू ठीक है हम क्योंकि यहां पर डेफिनेशन ही लिख रहे हैं हम लोग थ्योरम प्रूव कर रहे हैं और डेफिनेशन आपने को पता है तो हम क्या लिख सकते हैं देन के इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो डैश बिलोंग्स टू वी डैश इज द कर्नल ऑफ टी ये सेट क्या है कर्नल है किसका टी का ओके okay? और अब हम प्रूफ करेंगे ये क्या होना चाहिए वेक्टर ऑफ स्पेस होना चाहिए देखो किसका वेक्टर ऑफ स्पेस होना चाहिए थ्योरूम के अंदर तो सीधा लिखा हुआ है इज ए वेक्टर ऑफ स्पेस लेकिन किसका होना चाहिए जिसका ये सब सेट है ठीक है तो लिखो आप नाउ टू प्रूफ नाउ टू प्रूफ के इज ए सब स्पेस ऑफ वी ठीक है अपने को प्रूफ करना है कर्नल जो है वो क्या होना चाहिए वी का वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए वेक्टर सब स्पेस भी लिख देते हैं सब स्पेस भी लिख देते हैं एक ही बात है कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर ओके तो अब देखो अगर कर्नल को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है तो वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है एक ऐसा सेट जो खाली ना हो सब सेट होना चाहिए तो यानी सबसे पहला टारगेट क्या होगा हम के को किस टाइप का सेट प्रूफ करेंगे के इज नॉट इक्वल टू फाइव तो लिखो आप एट फर्स्ट टू प्रूव के इज नॉट इक्वल टू फाइव दैट इज नॉन वर्ड सेट प्रूव करना वाइड सेट मिंट खाली होता है नॉन वर्ड का मतलब क्या होता है नॉन एम्पिटी सेट जो खाली ना हो जिसके अंदर एलिमेंट हो दैट इज के इज नॉट इक्वल टू फाइव ये हमारा टारगेट रहेगा और ये बहुत ही छोटा सा पार्शन पोर्शन होता है पार्ट होता है फिर का ठीक है तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं एक रिलेशन लिखेंगे हम जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है तो लिखो आप सिंस जीरो बिलोंग्स टू वी एंड जीरो डैश बिलोंग्स टू वी डैश और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि अगर कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश लिखा जा सकता है तो आप देखिए वी का कोई एलिमेंट जिसके ऊपर टी अप्लाई करें और ऐसा होने के बाद राइट हैंड साइड कितनी आ दें जीरो डैश वी का एलिमेंट उसके ऊपर टी अप्लाई करें ऐसा करने के बाद राइट हैंड साइड किसके बराबर हो जीरो डैश के बराबर तो v का वो एलिमेंट किसके अंदर है कर्नल के अंदर तो इसका मतलब क्या होगा देन जीरो बिलोंग्स टू k हम ऐसा लिख सकते हैं कहां से बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल डेफिनेशन ऑफ कर्नल ये इसका रीजन दे देना आप ठीक है तो देखो आप कर्नल के अंदर एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या है k इज नॉट इक्वल टू फाइव दैट इज k इज नॉट इक्वल टू फाइव तो के खाली नहीं है के के अंदर एलिमेंट्स हैं ओके और अब हम प्रूफ करेंगे के क्या होना चाहिए वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए तो लिखिए आप नाउ टू प्रूफ नाउ टू प्रूफ के इज ए वैक्टर्स स्पेस ऑफ वी अब हमारा टारगेट है कर्नल को हम वी का वेक्टर ऑफ स्पेस प्रूफ करो वेक्टर ऑफ स्पेस प्रूफ करने का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर ठीक है वेक्टर ऑफ स्पेस प्रूफ करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि W इज ए सबसेट ऑफ V, W V का सबसेट होना चाहिए जो V का सबसेट होगा वही V का वेक्टर ऑफ स्पेस बन सकता है और उसके बाद फिर कंडीशन क्या होती है A और B कोई भी फील्ड के दो एलिमेंट चूज़ किए जा सकते हैं और अल्फा कॉमा बीटा हम कोई भी दो W के एलिमेंट स्पोज कर सकते हैं और उसके बाद फिर टारगेट क्या होता है देन टू प्रूव उसके बाद आपने को ये प्रूफ करना होता है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू और ऐसा होता ही डब्ल्यू क्या होता है वैक्टर्स ऑफ स्पेस ऑफ वी और सेम फॉर्मूला कर्नल के लिए होगा क्यों कर्नल क्या है वी का सबसेट है तो लिखो आप सिंस के इज ए सबसेट ऑफ वी किस टाइप का सबसेट नॉन वाइड सबसेट अर्थात K के के अंदर एलिमेंट्स है तो फिर हम लोग क्या करेंगे लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू के हम सपोज कर लेते हैं अल्फा और बीटा के के कोई एलिमेंट्स हैं एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ ए और बी फील्ड के कोई दो एलिमेंट हैं कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं हम और उसके बाद फिर प्रूफ क्या करना होगा देन टू प्रूव प्रूफ अपने को करना होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू के ठीक है सेम फार्मूला W के लिए है सेम ही फार्मूला हम K के, के लिए प्रूव करेंगे और ऐसा होते ही K क्या हो जाएगा वेक्टर स्पेस ऑफ V तो अब थोड़ा सा साइड में लिखिएगा देखो अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट हैं कर्नल के हैं कर्नल के, के हैं तो किस टाइप की डेफिनेशन है कर्नल की इनके ऊपर T अप्लाई होते ही आंसर कितना आएगा ज़ीरो डैश तो अब देखो आप साइड में लिख देना वेयर टी अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो डैश एंड टी बीटा इक्वल टू जीरो डैश और इसको नंबर दे दो तो आप वन क्योंकि ये हमारे काम आएगा ठीक है कर्नल के एलिमेंट हैं तो इक्वेशन फर्स्ट लिखी जा सकती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्नल ओके और अब हमारा टारगेट क्या है ये एलिमेंट किसका होना चाहिए कर्नल का होना चाहिए तो कर्नल का कब बनेगा जब इसके ऊपर हम टी अप्लाई करें दैट इज़ टू प्रूफ इसके लिए अपने को प्रूफ करना पड़ेगा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू जीरो डैश कर्नल का है तो इक्वल टू जीरो डैश आएगा और कर्नल का प्रूफ करना है तो फिर हम इक्वल टू जीरो डैश प्रूफ करेंगे और ऐसा होते ही एलिमेंट किसका हो जाएगा के का हो जाएगा और के का होते ही के इज ए सब स्पेस ऑफ वी और यही हमारा टारगेट है तो अब इसके लेफ्ट से स्टार्ट करिए आप लेफ्ट हैंड साइड टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा ठीक है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देना आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने के बाद देखो स्टार्टिंग में टी क्या देखा है टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज करिए आप तो लिख दो आप दैट इज ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा साइड में रीजन दे देना आप सिंस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है इसे जस्ट पहले बड़ी वीडियो के अंदर टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम क्या लिख सकते हैं ए ऑफ टी अल्फा ठीक है ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा लिखा जा सकता है बिकॉज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो आप बाई वन तो देखो क्या लिखेंगे बाई वन टी अल्फा इक्वल टू जीरो डैश तो दैट इज़ ए इंटू ज़ीरो डैश बी इंटू ज़ीरो डैश और हम लोग क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि ए इंटू ज़ीरो इक्वल टू जीरो होता है ठीक है ए इंटू ज़ीरो वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर तो अब ए इंटू ज़ीरो डैश इक्वल टू क्या देगा ज़ीरो डैश हो जाएगा क्यों किसका 0 है? V का जीरो है वी डैश का जीरो है तो आंसर क्या आएगा वी डैश का ज़ीरो आएगा तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज़ जीरो डैश प्लस जीरो डैश और ऐसा करते ही हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो डैश तो कुल मिलाकर के क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर लेफ्ट से राइट right बन गया तो हंड्रेड परसेंट यह एलिमेंट किसका है कर्नल का है क्यों कर्नल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर टी अप्लाई होने के बाद इक्वल टू क्या आ जाए जीरो डैश वो एलिमेंट किसके होंगे कर्नल के होंगे कहाँ से बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू के और ऐसा होते ही के क्या है वेक्टर्स ऑफ स्पेस ऑफ वी तो लिख दो आप इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखिएगा इंप्लाइज के इज ए वैक्टर्स ऑफ स्पेस ऑफ़ वी ओवर द फील्ड एफ मैंने शॉर्ट में लिख दिया आप कंप्लीट लिखना के इज ए vector space स्पेस ऑफ बी तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने वीडियो को सुनना है क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर क्या है काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म देन कर्नल और उसके बाद कर्नल पर हमने एक थ्योरम का प्रूफ किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ठीक है तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप ओके थैंक यू